आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने आप पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी नई रणनीति के साथ सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं MKN न्यूज से बातचीत में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, उससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी हैं मेरे साथ। आप राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री भी हैं, निकाय चुनाव से पहले आप आए हैं। 2022 के चुनाव में आप पार्टी को जिस तरीके से सफलता मिलना चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली, तो आज आपने बैठक किया, क्या मंत्र दिया है पदाधिकारियों को? आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ज़्यादातर ये नगरीय निकाय चुनाव पर ही फोकस थी, तो आज हमने ये मंथन किया कि संगठन किस लेवल तक बना हुआ है, आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए। तो मुख्य रूप से हमने ये तय किया है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, हर निकाय के लिए अलग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और फिर हर वार्ड के लिए अलग से स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को वो सफलता नहीं मिली थी जो आप पार्टी सोच रही थी, क्या रणनीति में कुछ चेंज रहेगा इस बार चुनाव? निश्चित रूप से पहली जो चुनाव लड़े थे सफलता नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह पे और भी सफलताएं नहीं मिली है, लेकिन आप देखेंगे कि 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है जो इतनी तेज गति से और कोई दूसरी पार्टी ने ग्रोथ नहीं किया है। हम एक बड़े प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है, नए जमाने की पार्टी है, हम हार होने से परेशान नहीं होते और छुपाते भी नहीं है, हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके स्टडी करके फिर से प्लान बनाते हैं। हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य मेहनत करना है, उसके ऊपर परमात्मा की मर्जी है, जनता की मर्जी है, जो आशीर्वाद देगी मान्य है। उत्तर प्रदेश आप आए, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर की समय चल रही है, 32,000 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, प्रस्ताव आए, हाँ MOU साइन हुए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछली बार जितने MOU साइन हुए थे उसमें से जमीन पर कितना उतरा है? ये MOU साइन होने का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, आप देखना कि MOUs तो बहुत साइन होते हैं, महीने भर के अंदर आधे से ज़्यादा MOU वाले भाग जाते हैं, तो इनको वाइट पेपर लेके आना चाहिए कि कितने कमिट हुए थे, कितने MOU साइन हुए, कितने ज़मीन पर उतरे और कितने हवा में थे। प्रदेश सरकार पर जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार हमला करता था, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट हुआ है? उससे तो दूर नहीं हो जाएगी ना महंगाई, MOU साइन होने से के कागज में मैं दस्तखत करवा लेता हूँ 50 आदमी को बैठा के, उससे तो महंगाई दूर नहीं हो सकती, उससे बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। मेरा समस्या यही है कि इस देश में सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। चुनाव में अगर इस चीज़ में डाउन हो गए तो दिखावा करने के लिए वो कर लो, चुनाव जीतने के लिए फलाने कर लो, चुनाव जीतने के लिए ढिक में, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता के पास स्कूल है, अस्पताल है, बेरोजगारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। MOU साइन होने से फैक्ट्रियां नहीं लगती है, पिछली बार कितना साइन हुआ था, कितनी फैक्ट्रियां लगी, इसको सरकार को पहले बताना चाहिए। पर फिर भी अच्छी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट होगे तो हम खुश होंगे, हमारे लिए देश पहला है। शुक्रिया आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, अगर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर होती है तो उत्तर प्रदेश के लिए फायदा होगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़ लखनऊ।